बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करता। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के विपरीत राजनीति को मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों से नहीं जोड़ते हैं। यही नहीं, असम सीएम ने कहा कि फिलहाल मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती हैं। मैं महीने में एक बार मुस्लिम इलाके में जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता सिर्फ वोट का है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में शर्मा ने कहा, मुस्लिम मुझे वोट न दें, मुझे अगले 10 वर्षों तक आपके क्षेत्रों में विकास करने दीजिए। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बाल विवाह प्रथा समाप्त हो, मदरसों में जाना बंद हो, इसके बजाय कॉलेजों में जाएं। मैं मुस्लिम बेटियों विशेषकर लड़कियों के लिए 7 कॉलेजों का उद्घाटन करने जा रहा हूं। बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा असम में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत के बाद साल 2021 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने सर्वानंद सोनोवाल की जगह ली थी। शर्मा ने बताया कि मुसलमानों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि भाजपा के साथ उनका रिश्ता वोटों से परे है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मुस्लिम इलाकों में बुनियादी ढांचे या स्कूल नहीं बनाए, लेकिन मैं उनका विकास करना चाहता हूं। मैं 10-15 साल तक ऐसा करूंगा, फिर मुसलमानों से वोट मांगूंगा। अगर मैं अब उनसे वोट मांगूंगा तो यह लेनदेन का रिश्ता बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यह लेनदेन का रिश्ता बने। इंटरव्यू में शर्मा ने कहा कि उन्होंने पिछले राज्य चुनाव में भी मुस्लिम इलाकों में प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, 2016 और 2020 में प्रचार के दौरान मैं मुस्लिम इलाकों में नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद ही आऊंगा। इस बार भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिसे चाहे वोट दें, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। भाजपा ने साल 2021 में विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरा कार्यकाल जीता था। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में 60 सीटें भाजपा को मिली थी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी LGP ने 9 सीटें और UPPL को 6 सीटें मिली थी। हेमंत शर्मा 2015 में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।